हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो हम मास्क आजकल यूज कर रहे हैं उनको हमें स्टेलाइज या फिर उनको क्लीन करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मास्क को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे तो आप कोशिश करें कि आप घर में ही रहें, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो आप मास्क या फिर रुमाल को लेके जाइए। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाता है जो इन्फेक्टेड हो, और अगर ना भी हो तो आपको अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं वो मास्क में या रुमाल में इकट्ठे हो जाते हैं या एक्युमुलेट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको भी क्लीन करना या स्टेलाइज करना बहुत जरूरी है, और ये आप बहुत ही इजी तरीके से अपने घर में कर सकते हैं। आपने करना क्या है, कंटेनर टाइप का लेना है या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसको आप यूज कर सकते हैं, और आप उसमें आपको बॉइल वाटर पोर करना है। ठीक है, ये एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। बॉइल वाटर पोर करने के बाद आपने उस मास्क को उसमें कुछ देर के लिए रखे रहने देना है। लगभग 10 मिनट करीब आप उस मास्क को उसमें रखे रहने दीजिए। ठीक है, 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, उस मास्क को जो पूरी तरीके से वेट हो जाए उसको निकाल लेना है। और वैसे तो 10 मिनट बाद ये पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ, क्योंकि ये जो मास्क है ये 3 लेयर्ड मास्क है जो कि हमने घर में ही बनाया है, तो आपने क्या करना है कि क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि मास्क के इन हिस्सों में भी बैक्टीरियाज या वायरसेस वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो जरूरी है कि पूरी तरीके से मास्क क्लीन हो। तो आप उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए। डिटर्जेंट डालने के बाद आप उसे थोड़ी देर और रखिए, और ब्रश से या फिर अपने हाथों से, क्योंकि ये जो मास्क है मेरा ये मैंने अभी यूज नहीं किया है, तो आप हाथ से उसको अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं, और अगर आपका यूज मास्क हो तो आप उसको ब्रश से साफ कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ी देर और इसमें रखे रहने दीजिए। फिर आपने क्या करना है, आपको वाटर लेना है। ये वाटर भी पहले आपको गर्म करना है, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर इस मास्क को आपने इधर से उठा के इसमें रखना है, और ताकि जो भी डिटर्जेंट है वो सब इसका निकल जाएगा। ठीक है, और फिर अच्छी तरीके से इसको निचोड़ के आप इसको धूप में सुखा दें। ठीक है फ्रेंड्स, और धूप में सुखाने के बाद जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तब आप इस मास्क को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमें मास्क को कैसे क्लीन करना है, उसे कैसे स्टेलाइज करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वह भी अपने मास्क को ढंग से क्लीन और स्टेलाइज कर ही यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।